स्वागत है आपका इंदिरा की स्वादिष्ट रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पंजी सॉफ्ट खमन ढोकला। तो चलिए आइए बनाते हैं। बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप बेसन, इसी नाप से लेंगे, और ये लगभग 250 ग्राम। इसमें डालेंगे हम हल्दी 1/4 चम्मच, एक चुटकी ही। अब हम ले लेते हैं अलग बर्तन, जिस कप से हमने 3 कप बेसन लिया था उसी कप से 3 कप पानी ले लेंगे। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच सिट्रिक एसिड, ये इससे जाली बहुत अच्छी आती है, या सिट्रिक एसिड नहीं हो तो एक इतना बड़ा नींबू भी लेकर डाल सकते हैं इसका रस निकाल के, और वो भी नहीं हो तो ये विनेगर का 1 चम्मच ले सकते हैं। 3 ऑप्शन है, कुछ भी कर ले सकते हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच शक्कर, शक्कर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक शक्कर ना गले, जब तक इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको अच्छे से मिला लें और इसका बेटर तैयार करेंगे। अच्छे से मिलाते जाए, इसमें लम्ब से मिलाना चाहिए। ये हमारा बेटर तैयार हो गया है, और जो हमने 3 कप पानी लिया था उसमें से इतना पानी बचा है वो बाद में हम काम में लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। हम खमन कढ़ाई में बना रहे हैं, इसके लिए हमने 2 गिलास पानी इसमें ले लिया है बॉईल करने के लिए। पानी गर्म हो रहा है जब तक हम ये थाली ग्रीस कर लेते हैं तेल लगाकर, इसको ग्रीस करेंगे। अच्छे से ग्रीस करना है इसको। बेटर को रखे 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। एक चम्मच मीठा सोडा डालेंगे इसमें। अब एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे फूल रहा है, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसको थोड़ी देर तक फेंटते रहेंगे। हमने फेंट लिया है इसको। अब इसको थाली में डाल देंगे। ये इतना खाली रखना है इसको ताकि इसका है ना बेटर फूले, तो इसमें इतनी जगह चाहिए। मैंने थाली में लिया है, आप केक टिन भी ले सकते हैं या कोई सा डिब्बा भी ले सकते हैं।
पानी उबल गया है, अब इसमें हम ये स्टैंड रखेंगे ताकि पानी से थोड़ा ऊपर होना चाहिए थाली जो भी अपन बर्तन रख रहे हैं खमन बनाने के लिए। इस तरह से हमने रख दिया है, अब इसे हम रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पर ही रहने दें। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस बंद कर रहे हैं और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख रहने देंगे, फिर बाहर निकालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम खोलकर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल चाकू में बिल्कुल भी नहीं लगा है, मतलब ये परफेक्ट फूल का तैयार हो गया है हमारा खमन। इसको 10 मिनट के लिए ठंडा करने रख देते हैं जब तक हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़का लगाने के लिए हम 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म हो गया है, पहले हम इसे इसमें मिर्ची कर लेते हैं। इसको ज्यादा नहीं करना, हल्की सी फ्राई करना है। इसे तेल में डालेंगे राई, इसको अच्छे से कड़कड़ाने दें। अब इसमें डालेंगे मीठी नीम। बैटर बना के जो घोल तैयार करा था जो जितना बचा था वो इसमें डाल दिया। 2 चम्मच इसमें शक्कर डालेंगे, शक्कर पहले से ही हमने बैटर में डाल रखी है इसलिए थोड़ी कम ही डालेंगे, और जिसको ज्यादा जरूरत हो वो ज्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच इसमें नींबू का रस डालेंगे। तड़के का पानी तैयार हो गया है, इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम मिर्ची तैयार कर लेते हैं, इसमें डालेंगे छोटा चम्मच नमक और आधा चम्मच नींबू का रस, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके पीस कर लेते हैं। सबसे पहले इधर से चाकू घुमा लेंगे ताकि ये थाली से अच्छे से छूट जाए। देखिए इसकी कितनी अच्छी जाली बनी है, कितना स्पंजी है ये देखिए। अब इसमें हमने जो तड़के का घोल तैयार करा था पानी से, उसको इसमें डाल देंगे।